एक कप सूजी और कुछ हरी सब्जियों का इस्तेमाल करके आज एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो ना तो इडली है ना तो ढोकला और बिल्कुल हेल्दी और 10 मिनट में बन जाने वाला नाश्ता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी ली है और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाला है और नमक स्वाद के अनुसार, और इन सारे पहले ड्राई चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम लोग एक कप जो है दही डालेंगे। दही और सूजी का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब इसमें कुछ शिमला मिर्च कटी हुई डालेंगे जिसे मैंने रफली चॉप किया है, और यहाँ पर ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की और भी कुछ यहाँ पर पत्ता गोभी, बीन्स या जो भी इच्छा हो डाल सकते हैं, या अगर ना इच्छा हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, बिल्कुल एक साथ पानी को न डालें, हम लोग यहाँ पर एक बैटर तैयार करेंगे। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे और डाल करके एक ऐसा बैटर तैयार करेंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, और नाप और मेजरमेंट से कहें तो 1/4 कप हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। अब इस बैटर को हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तब तक हम लोग एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसमें 1 चम्मच हम लोग डालेंगे जीरा। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ों को हल्का चटकने तक हम लोग भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप प्याज। प्याज को हम लोगों ने बारीक काट लिया है और ये मेजरमेंट में 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। इसके साथ साथ हम लोग डालेंगे यहाँ पर 1/4 कप मटर और थोड़ा सा गाजर। यहाँ पर 1 गाजर को ग्रेट करके हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे कुछ मसाले, जैसे 1/2 चम्मच के करीब में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। आप अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब में काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर नमक भी स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालेंगे और 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। 2 चम्मच पानी डालने से क्या होता है कि जब हम मसालों को भूनते हैं तो ये मसाले जो है जलते नहीं हैं और बिल्कुल अच्छे से इनका फ्लेवर जो है हमारे सब्जियों के अंदर आ जाता है। अब 2 से 3 मिनट तक इसे हम लोग हल्का ढक ढक करके हम लोग यहाँ पर इसे पका लेंगे। पकाने के बाद इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग रख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक मोल्ड। मोल्ड को क्या करेंगे कि चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद यहाँ पर जो है हम अपने दही और सूजी को चेक करते हैं। वो 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए हमारी सूजी और दही जो है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लोग 1/4 टीस्पून के करीब हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसे मोल्ड के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली नहीं। इसे हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा मोल्ड को टैप कर देंगे जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अच्छे से बराबर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर स्टैंड रख कर के पानी गर्म करने के लिए रखेंगे और उसके अंदर 15 से 20 मिनट तक अपने इस नाश्ते को हम लोग स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद एक टूथपिक की सहायता से हम लोग चेक करेंगे। अगर वो क्लीन है इसका मतलब हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसे हम लोग ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे क्या करेंगे कि किनारे से चाकू से हम लोग पहले किनारों को छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद इसे अनमोल्ड करेंगे। अब इसे हम लोग अनमोल्ड कर लेंगे। तो एक प्लेट को ऊपर में रखेंगे और इसके ऊपर इसको हम लोग पलट करके अनमोल्ड कर लेंगे। और चूंकि हमने इस मोल्ड को ग्रीस करके रखा था, इस वजह से जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल अच्छे से बाहर आ गया है और आप देख सकते हैं कि कितना स्पंजी ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है इसे हम लोग शेप में काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे रेक्टेंगल शेप में काटा है। आप इसे चाहें तो जिस भी शेप में, स्क्वायर शेप में काटें, या आपको जिस तरह से मन हो इस नाश्ते को के शेप को आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने सारे नाश्ते को
पीसेज में काट लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना स्पंजी बना है। तो चलिए अब अगले स्टेप पर, जो हमने फिलिंग तैयार की थी स्टफिंग, उसे हम लोग बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और इसमें से एक टुकड़ा उठाएंगे। इसके ऊपर इसके साइज के हिसाब से उसे सेट करके हम लोग स्टफिंग को इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद जो हमारा ढोकला कहें या जो भी सूजी से बना हुआ जो स्पंजी एक पीस है, उसको इसके ऊपर रख करके बिल्कुल अच्छे से हम लोग प्रेस करते हुए हम लोग जो है इसे सेट कर लेंगे। और इस तरह से ये ना इडली है ना ढोकला, ये एक नया रेसिपी है जो कि ढोकला सैंडविच भी आप इसे बोल सकते हैं। अब इस तरह से मैंने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे एक पैन और पैन के अंदर हम लोग डालेंगे एक चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैंने जो है बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप जो चाहें ऑयल का इस्तेमाल करें। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर अपने पैन को पहले हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर अपने नाश्ते को रख करके बिल्कुल उसे गोल्डन होने तक हम लोग इसे हल्का हल्का सेक लेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। और इस तरह से देखिए, ये हमारा हेल्दी और टेस्टी बिल्कुल 2 चम्मच तेल में ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। और इस नाश्ते को अगर आप बच्चों के टिफ़िन में या नाश्ते में बनाएंगे तो वो इसके आगे बाजार के पिज्ज़ा बर्गर को भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से इस नाश्ते को एक बार बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको या आपकी फैमिली को ये नाश्ता कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी इतनी को मैंने जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप जो है इस नाश्ते को टी टाइम स्नैक्स में या सफ़र में भी जा रहे हैं तो इस नाश्ते को आराम से बना करके लेकर के जा सकते हैं। 1-2 दिन तक ये नाश्ता ख़राब नहीं होता है और बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी है। तो एक बार इस नाश्ते को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।